इस टाइम पे मैं ब्रुकलिन ब्रिज के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये मेरे बैक साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से ये ब्रिज है और इसके साइड के ऊपर एक पाथवे बना हुआ है। इस जगह पर यहाँ से एक पाथवे जाता है जो कि बहुत खूबसूरत व्यू देता है आपको ब्रुकलिन ब्रिज का। यहाँ पे अगर आप लोग आए ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर तो यहाँ पे आपको हलाल फूड वगैरह इस तरह की कार्ट्स वगैरह मिल जाएगी। ये पीछे जो है ये हलाल फूड है, इस तरह की एक कार्ट बैक साइड के ऊपर भी लगी हुई है। यहाँ पे आपको इस तरह का हलाल फूड न्यूयॉर्क के अंदर मिल जाता है। तो अभी चलते हैं हम ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ, आपको दिखाते हैं कि यहाँ का व्यू कैसा आता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो भी बिल्कुल यहाँ से नजर आ रहा होता है। ये एक रास्ता बना हुआ है, यहाँ से लोग जाते हैं ब्रुकलिन ब्रिज के व्यू की तरफ और सामने आप देख सकते हैं ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ साइड के ऊपर लोगों ने अपने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए होते हैं जहाँ पे छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। ये जैसे कि ये कुछ स्क्रीन सीनरीज लगाई हुई है यहाँ पर $3-$10। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे ये ब्रेसलेट्स वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पे फूड भी सेल कर रहे होते हैं, हॉट डॉग। आप ये चेक करें कितना खूबसूरत और लाइवली व्यू है यहाँ पर, मतलब लोग यहाँ पे किस तरह एंजॉय कर रहे होते हैं। म्यूजिक लगा हुआ है, जापान में आप लोग को इस तरह की चीज कभी भी नहीं मिलेगी जहाँ पे इतना ऊंचा लाउड म्यूजिक चल रहा हो और इतनी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस हो। तो यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमनली मिलती है कि लोग इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को। जापान में लोग इतना इंजॉय नहीं करते। यहाँ पे पेस यूनिवर्सिटी भी है और साथ बिल्डिंग आप देखें कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये जो साइट के ऊपर आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये ब्लू से कलर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की है। इसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। न्यूयॉर्क सिटी में आपको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ पे बहुत सारी लोग हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए हुए हैं, पर जापान में इतनी डाइवर्सिटी नज़र नहीं आती। वहाँ पे 90% बल्कि 99% पॉपुलेशन जो है वो जापनीज़ की है, पर न्यूयॉर्क के अंदर या स्पेशली अगर हम ओवरऑल US के बारे में बात करें तो यहाँ पर पूरे US के अंदर आपको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर भी अगर आप चेहरे देखें तो अमेरिकन बहुत कम नज़र आते हैं, यहाँ पर फॉरेनर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं।
देखें यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू नज़र आता है सिटी का, बिल्डिंग्स का, बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। अब जो है हम सेंटर पॉइंट पे तकरीबन पहुंच आए हैं। यहाँ पे ये ऊपर देखें लोग कैसे जबरदस्त तरीके से ऊपर बैठ के तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है, आगे एरिया भी कंजेस्टेड हो गया थोड़ा सा, और रश देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा है। तो ये है सेंटर में सेंटर पॉइंट, सेंटर में ये यहाँ पे इनका पिलर्स है इस ब्रिज के। ये देखें यहाँ पे इन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डेकोरेशन पीसेज वगैरह बना के इधर रखे हुए हैं, और की चेन्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं इधर इन $1। तो यहाँ पे इस तरह का छोटा सा बिजनेस लोग कर रहे होते हैं स्ट्रीट्स के ऊपर। ये जो सा पॉइंट है यहाँ पे ज़्यादातर लोग खड़े होकर लोग तस्वीरें बनाते हैं, उसकी वजह ये है कि साइड के ऊपर यहाँ पे ये रोप्स भी आ रही है ब्रिज की, और दरमियान में अमेरिका का झंडा भी नज़र आता है। फोटोशूट प्लेस, और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह लोग तस्वीरें वगैरह यहाँ पर बना रहे होते हैं। देखें साइड पर रोप्स जो लगी हुई है ये भी काफ़ी थिक है, इसकी थिकनेस देखें कितनी मतलब मजबूत रस्सी लग रही है ये। ये जो सा एरिया यहाँ पे पिक्चर्स का पॉइंट है, ये यहाँ पे बड़ी प्यारी पिक्चर आती है, पीछे बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नज़र आ रही है, और यहाँ से बड़ा प्यारा सनसेट व्यू भी आता है। तो लोग यहाँ पे खड़े होके बहुत सी तस्वीरें वगैरह बनाते हैं इन कॉर्नर्स पे खड़े होके। तो ये बिल्कुल अभी हम सेंटर पॉइंट पर थे, अब यहाँ से हम अपोजिट साइड पर जा रहे हैं। इधर भी देखें यहाँ पे भी ये सीलिंग्स वगैरह मिल रही होती है, हॉट सेल $10 की सेल कर रहे हैं भाई साहब, एक पिक्चर एक सीलिंग और 3 for $25। ये सामने जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ से नज़र आ रहा है, तो बड़ा खूबसूरत यहाँ से सनसेट व्यू भी आ रहा है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी यहाँ से नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो उधर भी जाके मैं आपको ये नज़दीक से भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाऊंगा। यहाँ पे ये इस तरह का म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता है, यहाँ पर बड़े लोग काफ़ी इंजॉय करने के लिए आते हैं।
नाज़रीन न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोग कभी भी न्यूयॉर्क विजिट करते हैं तो इस ब्रुकलिन ब्रिज पे जरूर आइएगा, बहुत अच्छा एरिया। ये एक साइट सीइंग स्पॉट है, वन ऑफ द टॉप साइट सीइंग स्पॉट है न्यूयॉर्क के अंदर। जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर ज़रूर विज़िट करते हैं, तो अगर आपका कभी न्यूयॉर्क में चक्कर लगे तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।